कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में जगह जगह पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, जिस कारण कितनी ही जगहों से यह खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान एक वीडियो शेयर किया गया और उसके साथ दावा किया जाने लगा कि जयपुर में ऑक्सीजन की बर्बादी की जा रही है। वायरल वीडियो में एक टैंकर से गैस निकलती हुई दिख रही है। दावा है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से ज्यादा ऑक्सीजन मंगवा ली और अब उसकी बर्बादी की जा रही है। सनद रहे कि राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है और वहां ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी होने की बात हो रही थी। ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्विटर और फेसबुक पर वायरल है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। ये वीडियो है तो राजस्थान का ही, लेकिन साल 2020 का है। सारा मामला हमको जुलाई 2020 की पत्रिका की रिपोर्ट से मालूम चला। 24 जुलाई को शिवदासपुर इलाके में यह हादसा हुआ था, जिसमें एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उससे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। इसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और रिसाव को कंट्रोल किया गया। दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल से भी हमें इस घटना के बारे में यही जानकारी मिली। यानी बीते साल राजस्थान में एक टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उससे निकलती गैस के वीडियो को यह कहकर शेयर किया जाने लगा कि राजस्थान में ऑक्सीजन की बर्बादी की जा रही है। यह स्टोरी ऑल्ट न्यूज के साथी किंजल ने लिखी है। हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जाकर आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं।